सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की गाइस इस वीडियो में हम करने वाले गाइस बॉटनी का चैप्टर 9 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। और गाइस ये हमारा लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना जाके, ठीक है। बेसिक सब चीज़ें बताई गई है। तो आज की गाइस इस वीडियो में गाइस हम कवर करने वाले हैं प्लाज्मिड, इंक्लूजन बॉडी, मीजोसोम और राइबोसोम्स। कुछ लाइनें दी गई है उससे, उसके टॉपिक से पहले जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, ठीक है, आ सकता है 1 मार्क्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर इसका बिना टाइम वेस्ट करे। प्लाज्मिड का जो साइज होता है बहुत छोटा होता है और ये गोल आकार में होता है। अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे बैक्टीरिया को, तो बैक्टीरिया में ना 2 DNA होंगे, तो दूसरा जो सिमिलर DNA है उन्हीं को हम कहते हैं प्लाज्मिड, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे। तो ये है प्लाज्मिड, एक सेकेंड। तो ये वाला जो है ये सिमिलर DNA है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो ये इसे प्लाज्मिड कहते हैं और इसका साइज़ बहुत छोटा होता है और इस सर्कुलर शेप में जैसे आप देख रहे हैं, ठीक है। और नीचे इसकी डेफिनेशन भी दी गई है प्लाज्मिड की, ये वाली नंबर 2, ठीक है। तो ये प्लाज्मिड जो है रेप्लिकेट कर सकते हैं, मतलब कि अपने जैसा एक और अपने जैसा बना सकते हैं। और ये हेल्प करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन और फिनोटिपिक कैरेक्टर्स देते हैं। फिनोटिपिक जैसे कि जो हम ऊपर से देख सकते हैं, जैसे कि अगर हम फिनो कैरेक्टर्स की बात करें डॉग की, तो डॉग के हम बाल देख सकते हैं, स्किन देख सकते हैं, आइज देख सकते हैं, आइज का कलर और टेल देख सकते हैं और ग्रोथ देख सकते हैं। तो ये सब फिनोटिपिक कैरेक्टर्स होते हैं जो हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के। तो ये जो होता है प्लाज्मिड, ये ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है और फिनोटिपिक कैरेक्टर्स देता है। आगे प्लाज्मिड के अंदर जो एक DNA होता है, DNA में सबको पता है जीन्स होते हैं। तो जीन्स जो बैक्टीरिया के बहुत बेनिफिशियल होता है। ये क्या करता है, ये एंटीबायोटिक्स से बचाता है बैक्टीरिया को। अब एंटीबायोटिक्स क्या होता है, एंटीबायोटिक्स से दवाई होती है जो बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज़ होती है, बैक्टीरिया से ही बनाया जाता है इसे, ठीक है। तो ये एंटीबायोटिक्स क्या है, ये अगर हम छिड़केंगे, ठीक है, बैक्टीरिया के ऊपर, जैसे कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, ठीक है, डायग्राम नीचे बनाया, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, एक सेकेंड। तो अभी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में डिटेल में। तो जो जीन्स होते हैं जो DNA में प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, एंटीबायोटिक से बचाते हैं बैक्टीरिया को, ठीक है। अब जैसे कि मैंने एक स्लाइस लिया, ठीक है, थिन स्लाइस लिया, एक ग्लास स्लाइस लिया, ग्लास स्लाइस आप सबने देखा होगा। तो मैंने ग्लास स्लाइस लिया और उसमें एक बैक्टीरिया डाल दिया, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर क्या है, प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड के अंदर क्या है, DNA जीन। तो जीन क्या करेगा, ये बचाएगा बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से। जैसे मैं एंटीबायोटिक डालूंगा तो ये क्या करेगा, बैक्टीरिया ग्रो हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं थर्ड नंबर पिक्चर जो है, ये देखिए, ये जो है देखो बैक्टीरिया ग्रो हो गया, ठीक है। पहले एक बैक्टीरिया था, अब कितने सारे बैक्टीरिया हो गए। तो ये जो जीन होता है ये बचाता है एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया को। तो इसका थोड़ा फंक्शंस दिए गए थे NCERT में, तो मैंने आपको बता दिया क्या करता है। तो आगे चलते हैं, एक सेकेंड, एक लास्ट पॉइंट रह गया, 6th पॉइंट। प्लाज्मिक DNA जो है मॉनिटर करता है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन DNA। ये हम क्लास 12th बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझ लो कि प्लाज्मिक DNA को यूज़ किया जाता है ताकि बैक्टीरिया को मॉडिफाई कर सके दूसरे DNA से, फॉरेन DNA मतलब बाहर के DNA से। इंक्लूजन बॉडी, अब इंक्लूजन बॉडी क्या होता है, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि जैसे ये पहली बात प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के अंदर होता है। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के अंदर अगर कोई मटेरियल है, जैसे कि कुछ बचे हुए मटेरियल्स होते हैं, सेल एक्टिविटीज बहुत सारे होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, जो प्रोडक्ट होते हैं, तो वो क्या होता है, वो स्टोर हो जाते हैं साइटोप्लाज्म में इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। जैसे कि ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल हो गया, फोस्फेट ग्रैन्यूल, साइनोफिजियन ग्रैन्यूल और गैस वैक्यूल, ठीक है। ये सब रिजर्व मटेरियल है जो स्टोर होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। अब इनका मेन काम होता है, ये खाना जो होता है उसे स्टोर करते हैं सबसे पहले, और ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता नहीं है, और बाकी सब मैंने आपको बता दिया। तो गैस वैक्यूल के बारे में थोड़ा सा आप देख लो, क्योंकि इसका हल्का सा डिस्क्रिप्शन दे रखा है NCERT में। तो ये जो गैस वैक्यूल है, ये पहली बात तो ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होता है और ये हेल्प करता है बायंसी में, ठीक है। बायंसी आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा फिजिक्स में, बायंट फोर्स, तो वही काम करता है ये भी। अगर आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो बता देना, मैं इसके भी ऊपर वीडियो बना दूंगा बायंसी के ऊपर, ठीक है। वैसे मैक्सिमम को पता भी होता है बायंसी क्या होता है, बहुत बेसिक सब चीज़ है ये सब। अब हम पढ़ेंगे मीजोसोम। मीजोसोम क्या है, स्पेशलाइज डिफरेंशिएटेड फॉर्म होता है सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन का जैसे आप ये देख रहे हो, ये मीजोसोम, ये हल्का सा एक्सटेंड कर गया है सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो एक्सटेंशन हुआ सेल मेम्ब्रेन का, इसी को हम कहते हैं मीजोसोम। जैसे इसका डायग्राम डेफिनेशन है, ये आप थोड़ा पढ़ लेना, याद कर लेना, ठीक है। इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स और ये हेल्प करता है इनक्रीज सरफेस एरिया। जैसे आप देख रहे हो, देखो ये जो सेल मेम्ब्रेन ने एक्सटेंड कर गया, जिसके कारण क्या है, जो सरफेस एरिया है वो बढ़ गया है। और सरफेस एरिया के बढ़ने से क्या हुआ, एंजाइम जो कंटेंट है, मतलब ये जो एंजाइम्स जहाँ स्टोर करके रखेंगे वो इंक्रीज हो जाता है उसका स्टोर। और ये डायग्राम में आप देख सकते हो कि जो
टू डॉटर सेल डिवाइड हुए हैं तो ये इसमें भी वर्क करता है मीजोसोम, ठीक है। तो मैं आपको डायग्राम एक बार अच्छे से बता देता हूँ। तो ये देखो डायग्राम में जो मीजोसोम है, नहीं बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया बैक्टीरिया के अंदर क्या है, मीजोसोम है जो एक्सटेंड कर गया उसका सेल में, उसे मीजोसोम कहते हैं। और मीजोसोम क्या है, वो टच है किसके, डीएनए के टच में है। अब क्या हुआ, सबसे पहले डीएनए जो होता है वो डिवाइड होगा टू पार्ट्स में, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होगा, फिर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, फिर उसके बाद मीजोसोम क्या करेगा, डिवाइड हो जाएगा टू पार्ट्स में, फिर धीरे धीरे सेल भी टू पार्ट्स में डिवाइड होगी और अल्टीमेटली गाइस टू डॉटर सेल बन जाएंगी। तो ये मीजोसोम इसमें भी वर्क करता है। तो इसके कुछ फंक्शंस हैं आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, अगर आ गया एग्जाम्स में टेस्ट में तो आप बता सकते हो। आगे क्या है, मीजोसोम क्या है, वो बहुत फॉर्म मतलब बहुत सारे फॉर्म्स में वो होता है, दिखाई देता है, जैसे वेसिकल, वेसिकल मतलब कि ये देखो सर्कल शेप में, एक सेकेंड, जैसे वेसिकल मतलब सर्कल शेप में भी ये आ सकता है। अभी हमने जो देखा ये वाला, एक सेकेंड, अभी हमने ये जो देखा ये वाला, ये जो मीजोसोम है ये अभी ट्यूब्यूल फॉर्म में है, ठीक है। तो ये तीन फॉर्म में होता है, मीजोसोम, वेसिकल, ट्यूब्यूल और लैमेले, लैमेले इस टाइप का है, ठीक है। तो ये तीन फॉर्म आपको याद रखने हैं, ठीक है। आगे डायग्राम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बस समझाने के लिए आपको बनाया है, ठीक है। राइबोसोम क्या है, राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है और ये मेनली गाइस प्रोटीन सिंथेसिस करता है सेल के अंदर। अब ये इसका क्या है कि राइबोसोम जो है ये प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है। और आगे राइबोसोम जो है ये साइटोप्लाज्म में ही नहीं पाया जाता केवल, ठीक है, साइटोप्लाज्म में पाते हैं में ये पाया जाता है, लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट और रफ ईआर जो हम आगे पढ़ेंगे इसमें भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो राइबोसोम्स के ये कुछ फैक्ट्स थे जो आपको याद रखने। अब ये जो मैंने लास्ट के जो तीन लाइन्स लिखे हैं ये इंक्लूजन बॉडी की डेफिनेशन है, ठीक है, आप एक बार रीड कर लेना इसे, ये तीनों जो है यहाँ से, एक सेकेंड, ये जो तीन लाइन है ये डेफिनेशन है इंक्लूजन बॉडी के, ठीक है। यही मैंने आपको बताया है, बस इसे हिंदी में मैंने कन्वर्ट किया है, ठीक है, बाकी आप देख लेना और कोई डाउट हो तो पूछ लेना मुझसे, मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा, ठीक है, कमेंट में देना, हिंदी फॉर्म ऑफ कमेंट, ठीक है। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, और हाँ अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इसके आगे का जो टॉपिक है बॉटनी का, चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं हम ये सेल और यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे, तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना अपकमिंग वीडियोज़ के लिए, ठीक है। तब तक जय हिंद, जय भारत।